राम राम भाइयों। तो अभी हम आए हैं अपने खेत घूमने मक्के का। तो ये देखिए इधर, ये पूरा मक्के लगे हुए हैं अंदर तक, और इधर भी हैं। तो इधर अच्छा नहीं लगा है उतना, बट है ही, लेकिन इधर अच्छा है। ये देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, जो कि अभी फूल पे आ रहे हैं, पूरा फूल लग रहा है। ये देखिए मक्के का फूल, जिसे जौखा कहते हैं गांव में। और अभी फल नहीं आएगा, पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं अभी। तो ये देखिए है इधर तिल की खेत है पूरा, ये देख सकते हैं तिलहन तिली है इधर, और इधर में मक्का है पूरा। और आगे जाइएगा तो उधर धान है, तो धान भी देख ही लेते हैं, आए हैं तो। ये देखिए तिल है, अच्छा से फल तो नहीं लग पा रहा है, पता नहीं बीज गड़बड़ है या फिर मौसम, बट है बहुत ही, काफ़ी लंबा बढ़ चुका है, कम से कम तो 3 फीट का हो गया है पूरा, देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए रहा धान पूरा, ये देखिए उधर से पूरा, ये है मेरा धान अभी, और इधर भी। तो ये देखिए अभी बिल्कुल ही अच्छा है, पानी भी है इसमें हल्का, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रहा है ना, तो फिर ये दिक्कत होगा सिंचाई के लिए। और इधर में भी मक्का है आगे, जो आपको उधर दिख रहा है वो, वहाँ भी अभी चलते हैं और एक बार पूरा देख ही लेते हैं। यहाँ पे बहुत पशुओं से चारा ही भी कर देते हैं, जैसे देखिए उधर में अभी पशु को चरा रहे हैं, और लापरवाही से चराते भी हैं। तो यहाँ का मक्का भी देख सकते हैं बिल्कुल ही अच्छा है, ये रहा, जबकि ये असमतल भूमि है, और उसमें यहाँ देख सकते हैं इधर। और अभी जो धान देख रहे थे वो देखिए, वो आगे इधर वही वाला भी, वहाँ से जो पेड़ है ना, वहीं से भी देखे थे, जो कि आगे और यहाँ पे है। इधर भी धान है और उधर आगे भी है, फिर वो नीम के पेड़ के उस ओर। तो चलिए अब चलते हैं, रास्ता तो नहीं है, तो मक्का में भी होके निकलना पड़ेगा, बहुत ही खुजली भी होता है मक्का में। चलिए देखिए यहाँ पे कोई आया भी है, देखिए इधर मक्का टूटा हुआ है बीच में पूरा, और ये देखिए पूरा तरह से हम मक्का के अंदर, और यहाँ कोई देख भी नहीं पाएगा अगर देखना भी चाहे तो इतना। और ये मक्का से बाहर निकलते हैं अब, तो ये देखिए कितनी दिक्कत होती है। और ये देखिए इसमें है अरहर, यानी कि मिक्सचर मिक्सिंग खेती है। तो अभी निकल गए हैं और अब चलते हैं और एक जगह विजिट कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ भी, इसके बाद ही चलेंगे घर पे। तो भाइयों अब लास्ट में आ गए हैं, यानी कि इधर का पूरा अंत है, उधर पहाड़ी है, तो उधर तो है नहीं, उधर आगे दूसरा गाँव है दूसरा, और ये बस्ती भी दूसरा है। तो ये देखिए लास्ट में रहा इधर, अच्छा तो नहीं है उतना, क्योंकि बारिश ही नहीं हो रहा है, तो अच्छा रहेगा कहाँ से। और यहाँ देखिए पूरा वहाँ तक, तो ये है, बीच में खाली भी रह गया है थोड़ा सा। तो ये है हमारी धान की खेती और मक्के की खेती, जो आपको भी देख लिए। तो हमने रोपाई के बाद आज फर्स्ट बार विजिट किया है यहाँ पे, तो देखिए कैसा लगा आप लोग के भी मेरा गांव, मेरा खेती फसल, कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइए कि कैसा है। इसके बाद हम कुछ अपने, तो फ्रेंड्स ये है हमारे पशु, यानी कि भैंस है दो और दो बैल हैं, बस इतने ही पशु हैं हमारे पास। रही ब्यूटी, लो लो ब्यूटी, और ये इधर एक ये रहा,
और ये देखिए इधर आपको दिख रहा होगा नर्सरी, बरसात नहीं होने की वजह से ही रह गया सारा धान जो कि नहीं रोपाई हो पाया। तो इधर ये देखिए इतना, और अभी एक यहाँ और भी है, इतना इसका आधा है, मतलब टोटल 4 केजी, 4.5 केजी धान की बिया का नर्सरी ये तैयार है बिल्कुल ही, जो कि अब किसी काम का नहीं है। और इधर ये देखिए, तो अभी आए हैं हम घास लेने, ये देख सकते हैं घास इधर, और उधर देखिए मम्मी आ रही है घास लोडिंग करने।